फ्रांस में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और प्रदेश भयानक हिंसा की आग में जलता दिखाई दे रहा है। संसदीय चुनाव के जो अनुमानित नतीजे थे उसमें देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली सबसे आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी नतीजे आते गए नेशनल रैली पिछड़ती गई और देश के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस और उनके सहयोगी वामपंथी गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। वामपंथी गठबंधन देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है और मैक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर है, जबकि देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली पिछड़कर तीसरे नंबर पर आ गई है। चुनाव के इस तरह के नतीजे को देखते ही देश में खूब हिंसा शुरू हो गई है। रविवार की शाम से ही पेरिस की सड़कों पर भड़की हिंसा ने अपना बड़ा रूप ले लिया है। सड़कों पर आगजनी हो रही है और नकाबपोश पुलिस से झड़प कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रांस में चल रहे इसी हिंसक चुनावी घटनाक्रम की। जानते हैं कि फ्रांस के मौजूदा हालात क्या हैं, कौन सी पार्टी यहां सरकार बनाने वाली है और देश में चल रही हिंसा का क्या परिणाम देखने को मिल सकता है, और इन सबसे जरूरी फ्रांस के इन नतीजों का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। देखिए, फ्रांस में तीन बड़ी पार्टी है। एक तो है मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस, जिसे मध्यम मार्गी पार्टी कहा जाता है, यानी कि ये पार्टी ना तो लेफ्टिस्ट है और ना ही दक्षिणपंथी। अगली पार्टी है नेशनल रैली, जो कि फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी कहलाती है, जिसके नेता है मरीन ले पेन। इस पार्टी की तुलना भारत की पार्टी बीजेपी से की जाती है। कहा जाता है कि दोनों पार्टी के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। और फिर बारी आती है देश की लेफ्टिस्ट पार्टियों के गठबंधन की, जिसे नाम दिया गया है न्यू पॉपुलर फ्रंट, और इसके नेता हैं जियां ल्यूक मेलेनशा। इस बार जो फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए हैं, इसमें यही तीन मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही थी और इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच लड़ाई देखने को मिल रही थी। चुनाव से पहले जो नतीजे और एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसमें देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली सबसे आगे थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ये पूरा सिनेरियो बदल गया है। वैसे तो फ्रांस की संसद में कुल मिलाकर 577 सीट है और यहाँ 289 सीट पर बहुमत होता है, लेकिन इस बार हंग असेंबली के हालात हैं। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट को सबसे ज्यादा 182 सीट, मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस और उसके गठबंधन को 168 सीट और धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों को 143 सीट मिली है। इसके अलावा रिपब्लिकन को 60, दूसरी लेफ्ट पार्टियों को 13 और अन्य के खाते में 11 सीट आई है। यानी कि इस बार किसी को भी बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और इसके चलते न सिर्फ फ्रांस के मौजूदा हालात में बल्कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी हिलते हुए दिखाई दे रही है। रविवार की रात ये तय हो गया कि न्यू पॉपुलर फ्रंट और मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस मिलकर इस बार सरकार बनाएंगे और इस गठबंधन की कोशिशों में जियां ल्यूक मेलेनशा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जैसे ही रविवार रात ये नतीजे साफ होते गए, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते सड़कों पर निकलने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ गई दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के समर्थक गुस्सा जताने प्रदर्शन करने लगे और सड़कों पर खूब झड़प होने लगी। जश्न का माहौल धीरे धीरे हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया और पेरिस के सड़कों पर आगजनी होने लगी, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए पेरिस में 30,000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है और अब हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये तो हो गई चुनावी हिंसा और चुनावी नतीजों की बात। अब जानते हैं कि नतीजों का भारत के साथ ही साथ वैश्विक संबंधों पर फ्रांस के लिए कैसा असर होने वाला है। देखिए, फ्रांस के संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर के नेता जियां ल्यूक मेलेनशा ने कह दिया है कि उनका गठबंधन फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, जैसे कि हाल ही में स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवाकिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इसके अलावा NFP गठबंधन ईंधन और खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कैंपेन चाहता है। यह पार्टी न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 1,600 यूरो यानी कि 1,44,000 रुपये के करीब करना चाहती है। और तो और NFP का प्लान है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जा सके, साथ ही वेल्थ टैक्स भी वसूला जा सके। हालांकि अभी भारत के साथ फ्रांस के गठबंधन कैसे होने वाले हैं इसे लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार के साथ भारत के संबंध और डील्स अच्छे चरण पर थे और अब ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से मैक्रों की पार्टी भी अब सरकार में हिस्सेदार होगी तो भारत के साथ उनके संबंध जस के तस बने रह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
Bye.